आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। आज फरीदाबाद के ग्रीन बेल्ट में हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। दरअसल औद्योगिक नगरी की पहचान पर उद्योगपति ही धब्बा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर बनाने वाली फरीदाबाद की नामी गिरामी कंपनी एस्कॉर्ट ने ही कंपनी के गेट के साथ ग्रीन बेल्ट पर लंबा चौड़ा कब्जा किया हुआ है। कंपनी के अंदर ट्रैक्टर बनाकर सैकड़ों की संख्या में नए ट्रैक्टर्स को ग्रीन बेल्ट में खड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिस ग्रीन बेल्ट को पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा बनाना था, वो कंपनी ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर ग्रीन बेल्ट को सुखाने का काम किया है। फरीदाबाद को पहले से ही पॉल्यूटेड सिटी के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभाग इन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, उस HSVP का कार्यालय यहां से महज 300 मीटर की दूरी पर है। सवाल यही है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय से मात्र 300 मीटर की दूरी पर आखिर इतना बड़ा कब्जा कैसे हो गया? इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनकी शह पर इस तरह से कब्जे करवाए जा रहे हैं? देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट। फरीदाबाद में इन दिनों अवैध निर्माण और अवैध कब्जों की भरमार साफ तौर से देखी जा सकती है और इसी का नतीजा है कि शहर की जो सूरत है वो बिगड़ती जा रही है। और आप साफ तौर से इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि न केवल छोटे छोटे अवैध कब्जे हो रहे हैं, बल्कि जो फरीदाबाद जिसको उद्योग नगरी कहा जाता है, वहाँ के बड़े उद्योगपति भी इस अवैध कब्जे से पीछे नहीं है। और इसकी वानगी हम आपको एक दिखा देते हैं कि ये फरीदाबाद की ट्रैक्टर बनाने वाली बड़ी कंपनी एस्कॉर्ट कंपनी है और हम उसके बाहर खड़े हैं। लेकिन इस कंपनी की तरफ से जिस तरह से अवैध कब्जे किए गए हैं ग्रीन बेल्ट पर, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जितने भी जो तमाम ट्रैक्टर खड़े हैं, ये BPTP से हाईवे को जोड़ने वाली सड़क के साथ बनी हुई ग्रीन बेल्ट पर कब्जा एक तरह से कंपनी की तरफ से किया गया है। और ना केवल आप, मैं अगर दूसरी तरफ दिखाऊँ तो आप ये देखिए, साफ तौर से पूरी ग्रीन बेल्ट को कंपनी की तरफ से कब्जा लिया गया है। बार बार लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत भी की, लेकिन उस शिकायत के बावजूद भी कहीं ना कहीं HSVP के अधिकारियों की तरफ से इस ग्रीन बेल्ट को अब तक खाली नहीं कराया गया है। और ना केवल ये, पिछले लंबे वक्त से इस ग्रीन बेल्ट पर एस्कॉर्ट कंपनी की तरफ से कब्जा किया गया है और कोई भी इस मामले में बोलने के लिए अधिकारी तैयार नहीं। और इसी का नतीजा है कि पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट के पेड़ों को यहाँ से काट दिया गया है। बाकायदा यहाँ जो जितने भी ट्रैक्टर यहाँ बन रहे हैं, उनकी लोडिंग और अनलोडिंग इसी ग्रीन बेल्ट पर की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ जो हरियाली, जिस तरह से कहा जाता है कि फरीदाबाद प्रदूषण में नंबर वन, और इसकी वजह एक ये, चूँकि यहाँ पेड़ों को कटाव और इसके साथ साथ में ग्रीन बेल्ट का पूरी तरह से उसमें पेड़ ना लगाने की वजह से, और बाकायदा उनको एक बड़ी कंपनी द्वारा काट कर यहाँ इस पार्किंग स्थल को बना देना, यहाँ ट्रैक्टरों को खड़ा करना, कहीं ना कहीं साफ तौर से दर्शाता है कि ना केवल छोटे बल्कि बड़े उद्योगपति भी कब्जा करने में फरीदाबाद में पीछे नहीं है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो अधिकारियों की तरफ से बार बार कोशिश की जाती है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि अब जल्द ही अवैध कब्जों को हटा दिया जाएगा, अवैध निर्माणों को हटा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सेक्टर 12 मात्र यहां से 300 मीटर की दूरी पर हुड्डा का ऑफिस, HSVP का ऑफिस, तमाम बड़े अधिकारी उस ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन उनको इस तरह के इतने जो ग्रीन बेल्ट पर बड़े कब्जे किए हुए हैं, उनकी तरफ उनकी नजर नहीं जाती। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी की कारगुजारी की तस्वीरें आपने देखी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर फरीदाबाद पर धब्बा लगाने वाली कंपनीज पर कार्रवाई कब होगी। HSVP ऑफिस के पास इतना बड़ा कब्जा कैसे हो गया, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा हो रहा है? तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। एस्कॉर्ट कंपनी पर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है? तो ये तमाम बड़े सवाल इस मुद्दे पर लगातार उठ रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं और ये बड़े सवाल इंडिया न्यूज की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ये कार्रवाई कब होगी, एस्कॉर्ट कंपनी पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई और क्या इसमें कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। और दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। रमेश चंद पंचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर, क्या कहेंगे आप? सिस्टम जो है अपराधियों के साथ है,
जी, और सिस्टम में शिफ्ट कर चुका है अपराधियों के साथ, जो अपराध करता है बंदर बांट चल रही है जी। ठीक है रमेशन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग लगातार हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और यही कहा जा रहा है कि बंदरबांट यहां पर हो रही है, किसी तरह की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर नहीं की जा रही है। आम जन जो हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रख सकते हैं और अतिक्रमण के खिलाफ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि किसी तरह की कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो बानगी हैं इस बात की कि किस तरीके से यहां पर अंधाधुंध चीजें चल रही हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं। कैथल से महिपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिपाल जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे तो मैडम यही कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ पेनल्टी देने से क्या शहर में पोल्यूशन कम हो जाते हैं? पेनल्टी देने से क्या शहर की सारी जमीनें हैं जो वो कब्जे से हट जाती हैं? और पेनल्टी कब मारेंगे, कब देंगे, कब क्या करेंगे जी? ठीक है महिपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, सवाल यही है और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि पेनल्टी का प्रावधान तो होता है लेकिन वो कब होगी, कैसे होगी, इस पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कानून से भी भरोसा उठ रहा है और साथ ही साथ जो सिस्टम है उस पर भी बड़े सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई है, जिससे फरीदाबाद की आम जनता त्रस्त है, परेशान है। और आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं ट्रैक्टर बनाने वाली एस्कॉर्ट कंपनी ने किस तरीके से यहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। श्याम राम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम राम जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर, अपनी बात रखिए। देखो जी, देश के अंदर 3-4 स्तंभ है, न्यायपालिका है, पत्रकार है और ये जो कब्जाधारी और ये अफसरों के मिली भगत से हरियाणा में 50 साल से सारी जमीनों पर वन काट दिए गए हैं, रावड़ी को खत्म कर दिया गया है और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हर जिले में जमीने पर अवैध कब्जा हो रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है, प्रदूषण हो गया, लोगों का जीना हराम कर दिया सर। बिल्कुल श्याम राम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पर्यावरण को सीधे तौर पर यहाँ पर नुकसान हो ही रहा है, ये बात हम लगातार कह रहे हैं और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर बनाने वाली एस्कॉर्ट कंपनी ने यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है। फरीदाबाद ऑलरेडी एक पॉल्यूटेड सिटी है, यहाँ प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सिस्टम पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो जो हरियाणा शहरी विकास करण है वो इस मुद्दे पर सीधे तौर पर सवालों के घेरे में। गुलशन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर, अपनी बात रखें आप। मैडम जी, ये जो दिखा रहे हैं भी अवैध कब्जे हो रहे हैं, ठीक है, सरकार तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन सारी बातें जितने भी है, मेरे लिए कांग्रेस भी ऐसी ही है, बीजेपी ऐसी है, लेकिन जो सरकार अच्छे काम कर रही है उनका भी तो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए ना। जो बात गलत दिखती है वही सरकार के ऊपर घेर देती है, समाज की भी तो जिम्मेदारी बनती है गलत के खिलाफ आवाज उठाना। बिल्कुल गुलशन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घनश्याम एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? घनश्याम जी अपनी बात रखें, लगता है घनश्याम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दर्शक अपनी बात कह रहे हैं और हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी घनश्याम जी, जी मैडम बात रखें। हेलो, हाँ ये जो अधिकारी हुड्डा के बैठ, चलिए कुछ तकनीकी खामी के चलते घनश्याम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे पर आपकी जो राय है, आपकी जो बात है, इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप भी अपनी बात कह सकते हैं। पूरन सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है पूरन सिंह जी आपका। मैं यूं कह रहा था मैडम जी, यदि कोई अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसके तबादले का डर रहता उसको जी। हाँ तबादला हो जाएगा यदि कोई अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पूरन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात, अलग अलग जो भी थॉट लोगों के दिमाग में इस मुद्दे को लेकर है अपनी बात कह रहे हैं। भगत सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भगत सिंह जी। ये मैडम जी आपकी कर्मण प्रशासन की मिली भगत से होता है जी। गुड़गांव में भी बहुत बिल्डरों ने, बहुत दुकानदारों ने बहुत अतिक्रमण किया हुआ है और प्रशासन की ढंग से काम ना करने की वजह से ये अतिक्रमण होता है, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। यदि कोई शिकायत करता है तो उससे भी कोई असर नहीं होता। ठीक है भगत सिंह जी, बहुत शुक्रिया। तो गुरुग्राम में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सुशील एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सुशील जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर, अपनी बात रखें। हाँ जी जी, ये पीछे से जितनी झुग्गी हटाते आ रहे हैं आगे बढ़ती जा रही है, अफसर कोई भी रोक नहीं रहा है ना इसके बाईपास के साथ साथ, इन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सुशील कुमार जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। करनाल से दर्शक हमारे साथ सोमनाथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका सोमनाथ जी। मैडम जी जी नमस्कार जी, नमस्ते सोमनाथ जी, अपनी बात रखें। यहाँ तो ऐसा है अंधी नगरी चौपट राजा, चक्के शेर भाजी और चक्के शेर खाजा जी। यहाँ तो अंधाधुंध काम हो रहा है सरकार के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। इसी अंधेर गर्दी के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और सवाल जो उठ रहे हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार वो सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये कार्रवाई कब होगी। अनिल यादव एक दर्शक हमारे साथ फरीदाबाद से ही जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका अनिल जी, अपनी बात रखिए आप। लगता है संपर्क टूट गया है अनिल जी से हमारा। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर इस तरह की स्थिति देखी जाती है। अलग अलग जो इलाके हैं वहां से लोग फोन कॉल के जरिए बता रहे हैं कि उनके इलाके में भी इसी तरह की समस्या है। तो सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो अपने काम को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। जींद से शांति देवी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, शांति जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। जी मैं ये बोल रही हूँ मैडम, जो ये मतलब अवैध बना रहे हैं इस बात ने ला लो, वो हटा भी रहे हैं अतिक्रमण है, और फिर आगे इन पे कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई की तो मेन मुद्दा है। बिल्कुल यही एक मेन मुद्दा है शांति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका रवि कुमार जी। हाँ जी मैडम जी नमस्कार जी, नमस्ते। हाँ ये तो ऐसा है कि ये तो अतिक्रमण है, इसके अलावा भी बहुत ग्रीन बेल्ट है जिनमें उड़ा की है सेक्टर वगैरह में, सब में अतिक्रमण है, कहीं मंदिर बना रखे हैं, कभी झोगियां पड़ी हुई है, ग्रीन नाम शब्द शब्द है वहाँ, कोई पेड़ पौधे का तो नाम ही नहीं है, खाली पेड़ ग्रीन बेल्ट का नाम लिखने से क्या होगा। और पब्लिक की सलाह लेने से फायदा यह है कि अफसरों को ऑनलाइन लेके आप बात करिए ना, ताकि उनको पता लगे कारण क्या है, कौन क्यों कब्जा कर रखा है यहाँ पर, सरकार की सह है या फिर ये अधिकारियों की मिली भगत है कि यहाँ लोकल लोगों की मिली भगत है, क्योंकि आम आदमी तो आवाज उठाता, आम आदमी की तो आवाज सुनाई नहीं जी। बिल्कुल रवि कुमार जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसकी शय पर ये हो रहा है, ये बड़ा सवाल आपने उठाया है और हम भी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि आखिरकार अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई कब होगी और ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसकी शय पर हो रहा है, क्या बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं तभी इस तरह के की स्थिति वहां पर बनी हुई है। करनाल से कुलदीप एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हेलो जी कुलदीप जी, अपनी बात रखें आप। मैडम हरियाणे में तो है ना इस सरकार के नाम की तो कोई चीज नहीं रही और अफसरों की मनमानी चल रही है जी। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मुद्दे पर। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी अगर अपनी बात इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से कहना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ आज हम हल्ला बोल रहे हैं, फरीदाबाद से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट में एस्कॉर्ट कंपनी की तरफ से किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं और एक तरफ पॉल्यूशन को कितनी हानि हो रही है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कृष्ण कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कृष्ण जी।
हाँ मैडम जी, ये आसी में रोड के चारों तरफ ये अतिक्रमण हो रहा है मेन रोड पर जी। ये जो रोड है हमारा, ये आसी हिसार का जो पीछे पीछे रोड है, इस पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग घेर रहे हैं जमीन को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी। सिकंदर, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका सिकंदर जी। मैम, जो ये मामला है, ये सारा मिली भगत का मामला है ये। हेलो जी, जी सुन रहे हैं आप, अपनी बात रखिए। जो ये मामला है सारा मिली भगत का है ये, प्रशासन का जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिकंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी यहाँ पर, किस तरह से लोग यहाँ कह रहे हैं कि मिली भगत चल रही है, बंदरबाट चल रही है, सीधे तौर पर अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। तो लोगों की जुबानी ये आपने खुद सुना, और ज्यादा डिटेल्स के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक के पास, फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सीधे तौर पर यहाँ कहा जा सकता है एस्कॉर्ट कंपनी जो है ये अपनी मनमानी कर रही है, लोगों की जुबानी भी अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमने सुनवाया है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में लोग इस तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। सवाल यही है कि कब कार्रवाई होगी और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित तौर से सोनल, जिस तरह से देखिए, नामी ग्रामी कंपनी है, एस्कॉर्ट को कहा जाता है, और फरीदाबाद की एक ही अपनी अलग पहचान एस्कॉर्ट कंपनी रखती है, लेकिन अब इसके जो कारनामे हैं वो कुछ इस तरह के हो गए हैं कि ग्रीन बेल्ट। आप समझिए सोनल, फरीदाबाद अगर पॉल्यूशन के मामले में बात करें तो नंबर वन पर है, और इसी बीच में तमाम तरह की कोशिशें लगातार सरकारें करती हैं कि ग्रीनरी डेवलप की जाए, शहर में पॉल्यूशन को कम किया जाए, लेकिन इसके उलट जिस कंपनी को शहर में एक CSR के नाम पर ग्रीनरी को आना चाहिए था, लेकिन उसी ने उस ग्रीनरी को खत्म करने का काम किया है, और ये अभी भी हम उसी कंपनी के सामने खड़े हैं। आप ये साफ तौर से दूर तक देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टरों को यहां खड़ा किया गया, तमाम जो पेड़ है उनको काट दिया गया, और इसके साथ साथ में अगर आपको दिखाऊं एक तस्वीर, तो ये देखिए आप रोड पर, आप ये जो बड़े बड़े ट्रक्स देख रहे हैं ये इसी कंपनी के हैं, जो यहां से ट्रैक्टर को लोडिंग करने के बाद में ले जाते हैं, और इन्हीं की वजह से एक लंबा जाम इस रोड पर लगता है। और इसके साथ देखिए फरीदाबाद का जो सबसे अगर कहें तो हम पॉस सेक्टर, सेक्टर 14 है, और ये सेक्टर 14 के बिल्कुल सामने का नजारा है जो एस्कॉर्ट कंपनी है, लेकिन इधर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, जहां हमारे साथ में कुछ सेक्टर 14 के रेजिडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम आप बात कराएंगे, आप पूछेंगे उनसे कि आखिर उनकी क्या समस्या है, क्योंकि वो भी कई बार अधिकारियों को लिख चुके हैं कि इस तरह से यहां से इनको हटाया जाए, क्या कहेंगे आप चूंकि प्रेसिडेंट्स हैं सेक्टर 14 के। नमस्कार, मैं सेक्टर 14 का प्रेसिडेंट वरिंदर चक्रवर्ती। इस टाइम जैसे अभी आपने बताया एस्कॉर्ट्स के सामने वाले, हमारा ये गेट नंबर 3 बोलते हैं हम इसको, खड़े हुए हैं। वाकई में ही यहाँ सारा दिन ट्रक को यहाँ खड़े रहते हैं, जैम लगा रहता है, लोडिंग करके अंदर से लाते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं, सामने भी खड़े रहते हैं, दोनों तरफ से रोड का बहुत बुरा हाल होता है, एक्सीडेंट से बिल्कुल ऐसे है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। रात में भी लोडिंग करते हैं, ठक 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 की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, हमारे रेजिडेंट जो है ना बहुत परेशान हो रहे हैं। दुनिया भर का पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वैसे भी है, बिल्कुल तमाम तरह की समस्याएं, आपसे भी बात करेंगे। आपने चूंकि कई बार इसकी शिकायत हुड्डा ऑफिस में, HSVP ऑफिस में की थी, क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जब भी ये अपना आए दिन अपना साम्राज्य जो है बाहर सड़क के साथ बढ़ाए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट को और अपना कब्जा पक्का किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ये लोडिंग होती है ट्रैक्टर्स की, इस रोड की बजाय इसको बाईपास पे बाहर की तरफ निकाल दें, उस तरफ से वहाँ लोडिंग वाला अरेंजमेंट रखें, तो यहाँ का ट्रैफिक भी बच जाएगा और रेजिडेंट्स को कुछ पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। क्या लगता है, जब आपने बड़े पॉश सेक्टर में जब मकान खरीदा था तो लगता था कि इस तरह के हालात पैदा होंगे और आपको ही परेशानी यहाँ खड़ी हो जाएगी? जनाब, उस समय मेरे घर के सामने 30 फुट चौड़ी ग्रीन बेल्ट का ब्लू प्लान के ऊपर नक्शे पे है, जो कि अब कट के 15 फुट रह गई है, और ये एस्कॉर्ट्स वाले ने जगह घेरी रखी, इसने इसकी वाइडनिंग अब रोड के ऊपर, इनसे सरकार ने जगह नहीं ली, इनकी ग्रीनरी कम नहीं करी, बल्कि हमारे सेक्टर की ग्रीन बेल्ट को काट दिया, ये पहले हो चुका है। हमारे साथ में एक और भी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप क्या कहेंगे, किसकी मनमानी आखिरी है, जो मनमानी एस्कॉर्ट्स की है, इसके पीछे कौन हो सकता है, अधिकारी हैं या कोई और वजह? हमारे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर लॉ, कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा। परेशानी होती है बहुत बहुत, एक तो सड़कों में बारिश में क्या हाल होता है आपको पता है, ऊपर से आधी सड़क इनके बड़े बड़े ट्रक ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यहाँ से मुड़ कर दिखाइए,
और इतनी बिजी ये रोड है बिकॉज हाईवे को बाईपास से कनेक्ट कर रही है, उसके ऊपर आप जस्ट निकल के दिखाइए सेक्टर से। बिल्कुल सोनल, देखिए तमाम तरह की परेशानियां उन लोगों को जो सीनियर। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आसपास जो लोग आपके साथ मौजूद थे उनका भी बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया के लिए। सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि एस्कॉर्ट कंपनी जो कि लगातार अपनी मनमानी कर रही है, उस पर कार्रवाई कब होगी, कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये एक बड़ी जांच का विषय है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, नमस्कार।